आबकारी विभाग के द्वारा चलाए जा रहे अवैध शराब की रोकथाम कार्यक्रम हेतु मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना के आदेश पर आबकारी अधिकारी निधि जैन के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग के द्वारा की गई कार्यवाही में मुखबिर की सूचना पर ग्राम धौरी में 58 लीटर देशी और विदेशी मदिरा को कब्जे में लिया और आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया। बताया जा रहा है कि शराब की कुल कीमत 32,000 रुपए आंकी गई है। वहीं इस कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी विजय सेन, वित्त प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक अम्बा अनिरुद्ध खानवलकर, दिलीप भदौरिया, आबकारी मुख्य आरक्षक अशोक शर्मा, सौरभ मौर्य आदि मौजूद रहे। कल हमें लगातार, वैसे तो हमें जिला आबकारी अधिकारी द्वारा ये निर्देशित किया जा रहा था कि अवैध शराब जहाँ भी परिवहन हो रही है वहाँ एक प्रभावी कार्रवाई करनी है, तो कल हमने इस क्रम में अम्बा क्षेत्र में, अम्बा थाना अंतर्गत एक ग्राम दोहरी है, वहाँ पर एक सूचना मुझे एकदम से मिली कि एक पुराना शराब माफिया जो कई अपराधों में पूर्व में भी लिप्त रहा है उसके द्वारा अवैध शराब की बिक्री देसी एवं अंग्रेजी की जा रही है। तो मैंने पूरा आबकारी बल लेके वहाँ पर एक दबिश दी है और हमारी दबिश सक्सेसफुल रही है। लगभग हमने 58 लीटर देसी एवं अंग्रेजी शराब, जो कि उसमें से कुछ शराब हरियाणा की भी है, तो उसकी विवेचना में मैं लेके अंतर्राज्यीय जो इनकी लिंक है, जो हरियाणा का माल आ रहा है मुरैना में, काफ़ी शिकायतें भी आप लोगों के द्वारा भी मुझे प्राप्त हुई हैं, तो उसकी मैं जांच करके प्रकरण मैंने विवेचना में लिया है एवं एक आरोपी गिरफ्तार कर 34-2 का आपराधिक प्रकरण हमने दर्ज किया है। मेरा तो ये मानना है कि हमें चुनाव में और मुस्तैदी से काम करना होता है। आप सभी लोगों के सहयोग से, जो एक 14 स्तंभ हमारा मीडिया का है, उनके सहयोग से लगातार मुझे सूचनाएं मिलती रहेंगी और मैं इसी तरह से सतत प्रयास करते हुए कार्रवाई करता रहूँगा।